अरे बताइए, यहाँ पे तो रिस्की में आए, क्या कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं दी इन्होंने? उन्होंने कुछ देखा भी नहीं है? कल देखो, कल मना कर दी। कल मना कर दी? और ये तुम्हें क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? और यहाँ दर्द हो गया, वैसे करना है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने भी सही तरीके से नहीं देखा? अच्छा, फिर यहाँ पे तुम कहाँ से आए? तुम शादी कर गए थे? बैरागपुरा से आए। तो एम्बुलेंस नहीं दी आपको इन्होंने? एम्बुलेंस अस्पताल में भी तो इधर से उधर ले आने के लिए एम्बुलेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और स्ट्रेचर उसको मुहैया कराना, जिस वार्ड में भर्ती है उसके वहाँ के स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की ये ड्यूटी है। मेरे संज्ञान में आपने लाए हैं और मुझे आप उसका नाम बता दें और वार्ड बता दें, तो जिससे कि मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकूँ और जो है मरीज को सुविधा मुहैया कराऊँ। कुछ देर पहले भी ऐसा ही एक मामला और आया था, आखिरकार इस तरह की लापरवाही हॉस्पिटल में होती कैसे, क्यों? अब आदमी थोड़ा सा अगर लाइए, लापरवाही नहीं कहेंगे इसको आप, ये ओवरलोड है, जितनी संख्या है उतनी है नहीं। और मान लीजिए एक दिन का एक साथ काम होना है तो कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करता आदमी तो फिर वो अगर बेसब्र हो जाएगा तो वो लेके चल देता है। लोडिंग रिक्शा में पिता को दिखाने के लिए आता है? लोडिंग रिक्शा में पिता को लेके आता है जिसके घर से? तो घर से लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एम्बुलेंस तो उसको मुहैया होनी चाहिए। घर से बीमार मरीज को लाने के लिए 108 बनाई गई। वो कल भी आया था। वो इस काम के लिए 108 है, 108 लेकर के सीएमएस साहब, वो 108 हमारे नहीं, लखनऊ के कंट्रोल में। कल भी आया था 108 या 102 जो है सीएमएस साहब, को कल भी आया था। और कल भी उसको स्टिचर की कोई सुविधा नहीं मिली थी। मैं तो यहाँ से रोज और यहाँ कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो ओपीडी के सामने किसी को स्ट्रेचर द्वारा ले आवे ओपीडी के अंदर। हाँ, मेरे पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में हम काम करा रहे हैं। आधी संख्या में वार्ड बॉय हैं, आधी संख्या में नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, तो कुछ ना कुछ कमी मेरे रखती है और मैं इसके लिए चला करती हूँ।